हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर। आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है ड्रेसीना जेनेट। तो ये एक फॉलिएज ब्यूटी वाला प्लांट होता है और इसको आप इंडोर उगा सकते हैं। ये एक इंडोर ब्यूटीफुल प्लांट होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत डार्क कलर की लीव्स हो जाती हैं इसकी अगर आप इसको इंडोर रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा प्लांट जो है ये, इसको तो मैं कुछ ऐसा शेड एरिया प्रोवाइड नहीं कर पाता जहाँ पे बहुत कम सनलाइट हो, या ग्रीन नेट मैंने इसको प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो इसको जो है बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ शेडी एरिया हो। तो इसको शेडी एरिया बहुत पसंद है। आप अगर इसको उगाना चाहते हैं, अगर आप इसको अपने घर में रखना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा कोई एरिया ढूंढना होगा घर में, या प्लेस ढूंढनी होगी जहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती हो, क्योंकि ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। अगर आप इसको बाहर उगाते हैं तो ये बाहर भी रह जाता है, चल जाता है। लेकिन देखिए, जैसे मेरे प्लांट की बिल्कुल पत्तियाँ जो हैं उसकी टिप बर्न हुई है, सारी जो टिप हैं वो सब बर्न है। तो ये सनलाइट को, मेरे प्लांट को तो इसे पूरी सनलाइट मिलती है राउंड अबाउट 6 to 7 hours की, तो ये टॉलरेट नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं इसके पत्ते भी पीले होने लगे हैं। बट ये बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा हाउस होल्ड प्लांट है। आप इसको अगर ध्यान से रखते हैं और जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं इसके लिए उन्हें फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये नेटिव है अफ्रीका का। तो जैसे वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, तो उनमें लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं तो वो कवर कर लेते हैं, तो उस टाइप के एरिए में इतनी धूप नहीं आती है, तो वहाँ ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। तो सेम अगर कंडीशंस आप अपने घर पे देते हैं तो ये ऐसे ही अच्छी तरह ग्रो करेगा, और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। जितनी अच्छी छाँव आप इसको देंगे उतनी अच्छी इसकी पत्तियाँ डार्क होती चली जाएंगी, और धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ जो हैं उनका कलर बहुत लाइट हो जाएगा और टिप से वो बर्न होना शुरू होने लगेंगी, सन बर्न होने लगेगा। तो वाटर की बात करें फ्रेंड्स, नो डाउट इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत कम पानी ये प्रिफर करता है, और सॉइल ड्राई आउट होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आपके पॉट में सॉइल मॉइस्ट भी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जब बिल्कुल सूख जाए तब पानी देना है। और फर्टिलाइज़र आप इसे ग्रोइंग सीज़न में दे सकते हैं समर्स में, वो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, या फिर आप काउडंग दे सकते हैं। तो एक मुट्ठी काउडंग 12 इंच के पॉट में आप डाल दीजिए, वो इनफ है। और बात करें उसकी, जो आप लोग नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बाहर से केमिकल या लिक्विड फॉर्म में अगर आप परचेज़ करते हैं, तो वो आपको एक चम्मच गिरना है 1 liter पानी में, या उससे भी ज़्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं आप, कंसंट्रेटेड ना करके और ज़्यादा डाइल्यूट करके भी आप दे सकते हैं, तो वो भी इसके लिए बेस्ट है। तो वो आप अगर समर में देना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। तो इसका जो ग्रोइंग टाइम होता है वो समर होता है, समर में बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है। तो टेम्परेचर फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं है, ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में। तो आप इस पर पानी का स्प्रे डेली अगर करते हैं या पानी छिड़कते हैं तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सॉइल आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए गमले में, और पोर्ट साइज़ 12 इंच में, या जितने बड़े बड़े में आप इसको उगाते जाएंगे, रिपोर्टिंग करते जाएंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसको 12 इंच के पोर्ट में लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि रूट बाउंडिंग हो रही है तो आप अपना पोर्ट चेंज करते रहें और बड़े से बड़े पोर्ट में इसको लगाते जाएँ। वैसे रिपोर्टिंग इसकी एक्सट्रीमली बहुत जल्दी नहीं करनी होती है, ये इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट नहीं होती है, और ये एक बहुत अच्छा एयर क्लीनर होता है, एयर क्लीनिंग प्लांट होता है। तो इसको ज़रूर आप लगाइए अपने घर में। तो ये जो है बहुत अच्छी इसकी जो फॉलिएज ब्यूटी होती है, देखिए। तो इसके पत्ते कुछ कुछ जैसे मक्का होती है ना, कॉर्न जो होती है, तो उसका जो प्लांट होता है उसके जैसी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। आपने देखा होगा ऑफिसेज में भी इसको रखते हैं,
होटल्स में, रिसेप्शन एरिया में। तो इंडोर प्लांट है तो बहुत अच्छी जो है इसकी लुक आती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो प्रोपोगेशन है वो बहुत टिपिकल है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन सी डंडी, इसको आप काट के पार्ट्स में डिवाइड करके लगाइए तो उससे ये ग्रो हो जाता है। लेकिन इसकी जो ग्रोइंग जो वो है प्रोबेबिलिटी, वो बहुत कम होती है। ये इतनी आसानी से ग्रो नहीं होता है। बट अगर आप इन केस यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं ग्रो करना रेनी सीज़न में। तो आई होप फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो प्लीज़ ग्रो कीजिए इसको, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, प्लीज़ टेक केयर।